एक्सपीरियंस, आप सभी का स्वागत है अनिल स्टाइस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। इसके बाद हम देखेंगे विनोद भावे कौन थे, इनका बचपन कैसा रहा था, इनके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। देन भूदान मूवमेंट क्या है, ग्रामदान मूवमेंट क्या है और ये वर्क कैसे करता था, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता था, करंट स्टेटस क्या है इस मूवमेंट का इंडिया में। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली एक महाराष्ट्र के विलेज जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट मूव किया है और उसने डिमांड किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रामदान एक्ट। सो पहले हम देखेंगे विनोद भावे। सो दिस इमेज इज वेरी सिमिलर। ओके, सो विनोद भावे नरहरी राव और रुक्मिणी देवी से बॉर्न हुए थे और इनके अंदर एक डीप सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म था जो कि इनमें इनकी मम्मी ने डाला था, जो कि रिलीजियस थी काफी। इन्होंने बचपन में ही अर्ली ईयर्स में भगवत गीता पढ़ी थी, इसका भी इनके जीवन पे काफी ज्यादा असर पड़ा। और यही चीज थी कि ये एलीट स्टूडेंट्स और एकेडमिकली गुड स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और एस्टेसिज्म की तरफ ये बढ़ते चले गए। अलॉन्ग विद रीडिंग ऑल दोस टेक्स्ट उन्होंने संस्कृत पढ़ी और काफी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज भी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें महात्मा गांधी की स्पीच थी जब न्यूली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, और उस स्पीच ने इनको इतना ज्यादा इंस्पायर कर दिया था कि अपनी इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन देने बॉम्बे जा रहे थे और इन्होंने रास्ते में ही अपने स्कूल और कॉलेज के जितने सर्टिफिकेट थे उनको जला दिया गया था। और कहा जाता है कि डिग्रियां तालीम में के खर्चों की केवल रसीदें होती हैं, आपकी असली एजुकेशन आप कैसे हैं, किस प्रकार से एक्ट उन सारी चीजों में भी झलकती है। एंड इन्होंने नॉन वायलेंट एजिटेशंस में भी पार्ट किया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी और इसकी वजह से ये जेल भी गए थे। इनको लोग जानना तब से शुरू हुए कि जब से गांधी जी ने इनको फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बनाया था, और ही वॉज चूजन एट दैट टाइम इन द 1940 जब इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। और इसी इवेंट के बाद जो अननोन विनोद भावे थे उनको पूरा देश जानने लगा। इन्होंने सोशल इक्वालिटीज खत्म करने की तरफ काफी काम किया था एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड द सर्वोदय मूवमेंट, सर्वोदय सबका भला या प्रोग्रेस फॉर ऑल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था। He also created the ब्रह्म विद्या मंदिर। जो ब्रह्म विद्या मंदिर था ये एक स्मॉल कम्युनिटी ऑफ वुमेन के लिए था ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। 1951 में भावे ने भूदान मूवमेंट शुरू किया था पोचमपल्ली तेलंगाना से, और इन्हें रोमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन द 1958। लेटर ऑन इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था इन द 1983। विनोद भावे डाइड ऑन द 15th नवंबर ऑफ 1982 ड्यू टू हिज सीरियस इलनेस। सो दिस वाज अबाउट हिम। अब भूदान मूवमेंट पर आते हैं। सो ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट था विच वॉज स्टार्टेड बाय हिम इन द 1951 फ्रॉम द तेलंगाना। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू था वो लैंडलेसनेस का था, क्योंकि मैक्सिमम जो लैंड था वो जमींदारों के पास या इन्हीं लोग के पास था। देन दिस वॉज अ मेजर प्रॉब्लम विच वॉज फेस्ड बाय द रूरल इंडिया एंड इन 1951 इन्होंने फिर ये मूवमेंट शुरू किया और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट कहा जाता है, भूमि दान करने का मूवमेंट। इसका जो एम था इट वॉज टू परसुएड द वेल्दी ओनर्स और द जमींदार्स टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस पीजेंट्स वॉलेंटरली। देन ये जो मूवमेंट था इसने मोमेंटम गेन किया जब भावे एक गांव से गांव पैदल पैदल जाते थे, ही वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड द लैंड ओनर्स टू डोनेट देयर लैंड टू द पुअर पीपल। भावे की जो अप्रोच थी वो फिलोसफी जो नॉन वायलेंस की थी इसमें काफी ज्यादा रूटेड थी, और द आइडिया दैट द लैंड ओनर शुड डोनेट देयर लैंड इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर द पुअर पीपल। इसके काफी चैलेंजेस भी रहे क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से दान नहीं दे सकता, हर किसी के ये बस की बात नहीं होती है। देन ग्रामदान मूवमेंट हम देखते हैं। सो ग्रामदान मूवमेंट भूदान मूवमेंट का अगला पड़ाव था, इट वॉज द सेकेंड स्टेज और द एडवांस्ड स्टेज ऑफ दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट इमीडिएटली टुक ऑफ ऑन इट्स ओन। सबसे पहला ये यूपी के एक विलेज मंगरोथ में हुआ था 1952 में। इसमें सारे रेसिडेंट्स एक साथ आए थे इस विलेज में और इन्होंने पूरे विलेज को एक सोसाइटी को दे दिया था एंड दे ऑल्सो लिव्ड कॉपरेटली। देन इट वॉज ओनली ड्यूरिंग दैट विनोद बाजी का जो फुट मार्च चल रहा था इट वॉज थ्रू ओरिसा एंड डिड इट ग्रो इन टू अ सिग्निफिकेंट पॉपुलर मूवमेंट। January 30, 1953 में मानपुर जो कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में है इट रिसीव्ड ओरिसाज फर्स्ट ग्रामदान। बाय द टाइम विनोद भावे उड़ीसा में 26 जनवरी 1955 तक आए,
26 ग्राम दान ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे कैंपेन को, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ये काफी ज्यादा मोमेंटम कर चुकी थी गेन। देन डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बालासोर, मयूरभंज, गंजनम, सांबलपुर, यहाँ पे भी कुछ कुछ ग्राम दान एक्यूमुलेट हुए थे। मैकेनिज्म कैसे था, कैसे वर्क करता था, तो विलेजर्स के लिए मैंडेटरी था दैट दे मस्ट डिक्लेयर दैट दे आर गिविंग द विलेजेस ग्राम सभा ओनरशिप ऑफ ऑल देयर लैंड। उसके बाद 10 से 15 लोग ऐसे थे जो अनॉनिमसली नॉमिनेट किए जाते थे ग्राम सभा या विलेज काउंसिल के द्वारा, एंड दीज पीपल सर्व्ड एज एग्जीक्यूटिव कमिटीज। ये जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज थी दे वर इन चार्ज ऑफ रनिंग द विलेज ऑन अ वेरी डेली बेसिस। नाउ द काउंसिल विल अप्रूव द कमिटीज डिसीजन। इन अदर वर्ड्स, विलेजेस होन लैंड एंड द क्रॉप्स वर ओन्ड एंड गवर्न्ड कलेक्टिवली बाय दिस ग्रामदान एंड एन ये ऑर्गेनाइजेशन था जो सिमिलर था ग्राम सभा के तहत। आप किसी को दे नहीं सकते थे लैंड बिना किसी की जानकारी के। अगर किसी को ग्रामदान में मिला है किसी लेबर को, तो वो बिना इस कमिटी या सोसाइटी के अप्रूवल के बिना वो किसी को दे नहीं सकता था। गांव के व्यक्ति गांव को ही वो उनको बेचना पड़ता था लैंड। कुछ इस हिसाब के इसमें टर्म एंड कंडीशंस और रहते थे। करंट स्टेटस अगर हम देखेंगे, सो टुडे 7 स्टेट्स इन इंडिया दे हैव 3,660 ग्रामदान विलेजेस, जिसमें से उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। अदर 6 स्टेट्स में आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सितंबर 2022 में आसाम की जो गवर्नमेंट थी, इसने आसाम ग्रामदान एक्ट 1961 एंड आसाम भूदान एक्ट ऑफ 1965 को रिपील किया था और एक एक्ट पास किया, बिल पास किया था, द आसाम लैंड एंड रिवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। इसका जो फोकस था दैट वाज टू एनकाउंटर द एंक्रोचमेंट ऑन द डोनेटेड लैंड्स इन द स्टेट। इसके चलते आसाम में काफी राइट्स भी होते, काफी लोग मारे गए थे। नाउ डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही? मोतीलाल नेहरू, आचार्य विनोद भावे, आरसी दत्त और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकेंड क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द ग्रामदान मूवमेंट। द ग्रामदान मूवमेंट इन्वॉल्व्स गिविंग एन एंटायर विलेज टू द कम्युनिटी। देयर विल नो लॉन्गर बी एनी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द लैंड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? यू कैन टाइप द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, देयर आर लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एन एलएसटीआईएस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।